भिलाई का रेलवे स्टेशन है, हर जन पगली फंस जाबे। तो यही है गैस रुंटा कॉलेज, शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज, ये है कल्याण कॉलेज, MGM स्कूल, BSP प्लांट। हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल व्लॉग्स रोड पे, फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज मैं हम लोगों को भिलाई सिटी घुमाने वाला हूँ। आप में से बहुत सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भिलाई सिटी भी दिखलाइए और ये भी बताइए कहाँ पे कौन सा कॉलेज है, स्कूल है और होटल वगैरह भी कहाँ पे मिल सकते हैं। आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा लेकिन पूरी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। ये है घड़ी चौक। अगर आप बस से या फिर कार वगैरह से आप आते हो तो ये घड़ी चौक याद रखिएगा। यहीं से भिलाई का जो मेन जगह है वो चालू हो जाते हैं। मेरे सामने जो देख रहे हैं, यहाँ से सीधा जाओगे तो सेक्टर चालू होता है। ये वाली जो रोड है वो पावर हाउस के लिए जाती है। कॉलेज है, स्कूल है, चौपाटी है। फिलहाल ये है आकाशगंगा, बहुत बड़ा मार्केट है अपने भिलाई का, इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए, कपड़े के लिए। ये जो है हिमालय कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे आपको मोबाइल के एसेसरीज मिल जाएंगे। राइट साइड में देख पा रहे हैं गर्ल्स एंड बॉयज के लिए पूरी कपड़े की मार्केट लगी हुई है। फिर रिलायंस डिजिटल भी है, इंडियन कॉफी हाउस। ये तो हो गया आकाशगंगा। अभी मैं आप लोगों को पावर हाउस ले चलता हूँ। ओवरब्रिज का काम चल रहा है इसलिए एक साइड होकर हम लोगों को आना जाना करना पड़ता है। अरे इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पे टाइपिंग है, कुछ भी अगर आपको आवेदन देना हो। भिलाई का नगर निगम है, बैंक के लिए जाना जाता है। यहाँ पे होटल भी मिल जाएंगे रहने के लिए, सस्ते रेट में मिल जाते हैं, 800, 700, 600 में। ये देखिए अमित होटल फेमस है अपने भिलाई में। अब यहाँ पे सुमित बाजार है। सुमित बाजार तो अपने छत्तीसगढ़ में जगह जगह पे है। और ये हमारे राइट साइड देख रहे हैं TVS और यामा दोनों शोरूम ओपन है। एयरटेल का भी यहाँ पे शोरूम है। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी, कॉलेज से लेके स्कूल तक, चौपाटी तक, सब कुछ जानकारी। ये लाइव केयर, बहुत कम समय में आप भिलाई घुमा पाऊँ 10 से 15 मिनट के वीडियो में। अब चौहान स्टेट, ये है पूरा चौहान स्टेट। यहाँ पे SBI का बैंक है। ये सामने में जो दिख रही है इसे बोलते चंद्रमौरिया, फिलहाल अभी बंद है। चौहान स्टेट, यहाँ पे जी महासेल है, कैनरा बैंक, हुंडई, ये अमित होटल जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। आप ओवरब्रिज देख रहे हैं, ये है पावर हाउस, यहाँ से स्टार्टिंग जाता है। अगर आप यहाँ से आते बिलास, अंबिकापुर, रायगढ़, महासमुंद तो ये वाली रोड से आओगे और ये पावर हाउस सबसे पहले आपको मिलेगा। देख रहे हैं काफी कुछ मार्केट लगी हुई है। अगर आप ट्रेन रोड से आते हो तो वो भी मैं आप लोगों को बतला दे, आगे साइड में है पावर हाउस रेलवे स्टेशन। अगर सेक्टर जाना चाहते हो तो ये अंडर ब्रिज भी बना हुआ है, ओवर ब्रिज भी बना हुआ है, तो ये पेट्रोल पंप ध्यान में रखिएगा। ट्रेन रूट से आते हो तो आपको ये पावर हाउस रेलवे स्टेशन है, भिलाई का रेलवे स्टेशन है जो पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। यहाँ आसपास में आपको होटल कहाँ अच्छे मिलेंगे वो भी मैं आप लोगों को बतला देता हूँ। भिलाई का सबसे बड़ा मार्केट, यहाँ पे आप जमकर शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, को हर एक चीज मिल जाएंगे, कपड़े, ज्वेलर, बैग एंड गर्ल्स एंड बॉयज के लिए शूज़ वगैरह। तो ये हल्का फुल्का मार्केट इसलिए दिखा रहा हूँ, एक आइडिया लग जाएगा आपको। अगर आप बाहर से आते हो तो यहाँ पर सस्ते में मिल जाते हैं कपड़े, अगर ब्रांडेड कपड़े भी चाहिए वो भी मिल जाएंगे आपको। सामने में पावर हाउस रेलवे स्टेशन, आगे ले चलते हैं सुपेला की ओर। ये ओयो होटल है, यहाँ पे भी बुकिंग कर सकते हैं अगर रुकना चाहते हैं 2-4 दिनों के लिए। न्यू बसंत टॉकीज अभी ओपन हो चुके हैं, टॉकीज वगैरह सेकेंड हैंड बाइक का, यहाँ पे लाइन से लगी रहती है सेकेंड हैंड बाइक का। अगर आप खरीदने के इच्छुक हो तो एक बार ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो बाइक वगैरह। यहाँ से जो रोड जा रही है, यहाँ पे शास्त्री चौक है, रामनगर, मुक्तिधाम है, वैशाली नगर है, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। बड़े बड़े कंपनी के शॉप मिल जाएंगे, रेमंड, जियो। यहाँ पे शाम के समय में हल्का फुल्का चौपाटी लगता है। हीरो का शोरूम, पहले यहाँ पे TVS का था, अब हीरो का शोरूम बना दिया गया है। और ये है चिकित्सालय, यहाँ से भी आप सेक्टर जा सकते हैं चंद्रमौरिया टॉकीज वाली रोड से। भिलाई का स्वास्थ्य केंद्र भी दिखला देते हैं। 15 से 10 मिनट के वीडियो में क्या क्या दिखला पाऊंगा आपको। भिलाई भी बहुत बड़ा है, महिंद्रा का कितना बड़ा शोरूम है, सुधीर एक्सरा स्वास्थ्य चिकित्सालय, अगर कोई भी इमरजेंसी होता है तो यहाँ पे एडमिट करा सकते हैं, प्राइवेट में नहीं कराना है तो। अगर राइट साइड जाते हैं तो इसे बोलते हैं 5 रास्ता, यहाँ से 5 रास्ता के लिए आप जा सकते हैं। अगर आप बस से जाना चाहते हो तो यहाँ पे बस भी बुक होती है, देखो बहुत सारे यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। इधर पे बनता है कुल्लर पेटी, ये सुपेला में ही आता है, पूरा हार्डवेयर की दुकान है, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। सुपेला घड़ी चौक में आप लोगों को कुछ देर पहले दिखला रहा था, तो अभी जो मैं हार्डवेयर का दुकान दिखा रहा था वो इस साइड में था। अभी मैं आप लोगों को यहाँ का फेमस टॉकीज दिखला देता हूँ, वेंकटेश्वर टॉकीज, सुपेला में ही आता है। सुपेला बहुत बड़ा है, यहाँ पे देखिए एक्सीडेंट हो गया लग रहा है।
तो यहाँ भी आपको थोक मार्केट मिल जाएंगे, घूम के दिखला देते हैं। और सस्ते में ख़रीदना चाहते हो अपने दुकानदारी के लिए तो यहाँ पे आप ख़रीद के अपना व्यवसाय कर सकते हैं। दुकानों के लिए यहाँ पे थोक में मिल जाते हैं कपड़े। अब वो है वेंकटेश्वर टॉकी, जहाँ पे लगा हुआ है हर जन पगली फंस जाबे। अब जो मैं आप लोगों को दिखलाने वाला हूँ वो है सुपेला का सबसे बड़ा मार्केट, जिसे बोलते हैं संडे मार्केट। तो संडे के दिनों में ये जो आप रोड देख रहे हैं, इसी रोड के आइट साइड में इतना सारा मार्केट लगता है। जूते, चप्पल, कपड़े, बहुत सारे आइटम, इलेक्ट्रॉनिक सामान भी मिलते हैं। एक ही दिन लगते हैं सप्ते में, वो भी संडे के दिनों में। बहुत लंबी गई हुई है। इस आइट साइड में बहुत सारे एरिया पड़ता है जिसे कोई फरीद नगर के नाम से जानते हैं, कोई रामनगर के नाम से जानते हैं। यहाँ से भी आप रामनगर जा सकते हैं, वैशाली नगर के नाम से जानते हैं, शांति नगर के नाम से जानते हैं। तो यही वाली रोड लेके जाती है। इवन यहाँ पे नेहरू नगर भी आप जा सकते हो। इस वीडियो में कोशिश करूँगा पूरा दिखला पाऊँ। ये दारू भट्टी भी है यहाँ। गदा चौक जो सुपेला में ही आता है, लेफ्ट लेते हो तो ये फरीद नगर के लिए जाती है, कृष्णा नगर के लिए जाती है, राधिका नगर के लिए। और यहाँ से जाते हो तो अंदर ही अंदर कॉलोनी बहुत सारे यहाँ से दो रोड करती है। एक है वैशाली नगर के लिए है, दूसरा है कोंका के लिए। तो मैं अभी फिलहाल थोड़ा सा आपको वैशाली नगर के एरिया दिखला देता हूँ। भिलाई का वैशाली नगर विधानसभा है, प्यारा मंदिर है जहाँ पे आप दर्शन भी कर सकते हैं। ये चौक है, ये वाले जो रोड है शांति नगर में आता है। और इस साइड अंदर ही अंदर बहुत अच्छे अच्छे कॉलोनी है। अगर आप यहाँ पे किराए पे रहना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट लोकेशन पे है। तो एरिया है बहुत अच्छे एरिया है, आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरा है जहाँ से कार आ रही है, यहाँ से हम वैशाली नगर दिखलाते हैं आपको। अभी हम आ गए हैं वैशाली नगर पे, तो दोनों लगा हुआ है। यहाँ भी आपको रेंट में मिल जाएंगे 3,000-4,000 में। हल्का फुल्का मार्केट लगता है, यानी कि गुरुवार शुक्रवार के दिन यहाँ पे मार्केट लगता है। अभी मैं आप लोगों को सुंदर नगर भी दिखला देता हूँ। सुंदर नगर भी बहुत अच्छा नगर है। ये है पूरा इस तरह से अंदर जाने का है। वैशाली नगर का कॉलेज भी दिखला देता हूँ। उस रोड से लगा हुआ है शासकीय कला एवं वैज्ञानिक महाविद्यालय वैशाली नगर। ये कॉलेज है जहाँ पे स्टूडेंट लोग आते हैं पढ़ने के लिए। कुछ एग्जाम होता है, बाहर बाहर से लोग आते हैं एग्जाम देने के लिए। आप लोगों को मुक्तिधाम रामनगर भी हल्का फुल्का दिखला देता हूँ। प्राथमिक शाला है मुक्तिधाम का। रामनगर भी बहुत बड़ा एरिया है और यहाँ पे एक फेमस स्कूल है जिसे हम शकुंतला विद्यालय के नाम से जानते हैं। मैं शकुंतला विद्यालय के आसपास में ही हूँ। शकुंतला विद्यालय जो कि अपने भिलाई का सबसे बड़ा विद्यालय है। अभी तक आप लोगों को वैशाली नगर, रामनगर, शांति नगर दिखलाया हूँ और ये है गदा चौक। अब हम लोग कोंका की ओर जा रहे हैं। कोंका में एक कॉलेज है रुंटा कॉलेज, वो आपको दिखला देता हूँ। कोंका और क्रूद दोनों अलग है। कोंका साइड में भी एक ITI का कॉलेज बन रहा है। ये है अवंती बाई चौक। अब यहाँ से जो गाड़ी आ रही है यहाँ से चुनवानी, ये जो सीधा लेके जाती है कोंका, और हमारे राइट साइड में जो चौक गई हुई है ये क्रूद लेके जाती है। ये कोंका लेके जाती है, सीधा जाती है रुंटा कॉलेज के लिए। ये क्रूद कहलाता है। रुंटा कॉलेज भी आप लोगों को मैं दिखला देता हूँ। पूरा मार्केट एरिया है भिलाई। आपको ऐसा नहीं है कि आप फेमस मार्केट ही जाओगे तो ही आपको सब सामान मिलेंगे। कहीं भी रहो चारों तरफ मार्केट से घिरा हुआ है। अब यहाँ भी आपको अच्छा खासा घर मिल जाएंगे रेंट पे, कुछ प्लानिंग करते हो रुकने का। हॉस्टल में नहीं रहना चाहते तो यहाँ पे काफ़ी कुछ इस तरह से जो देख रहे हैं ये गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए है, तो रेंट में लेके आप अपना स्टडी कर सकते हो। हिंदू IT का नाम सुना होगा। तो ये है गर्ल्स हिंदू IT, बगल में है साई बाबा मंदिर, रुंटा कॉलेज। तो टेम्पो लगी हुई है। तो यही है गर्ल्स रुंटा कॉलेज। स्कूल भी है, कॉलेज भी है, बहुत बड़ा सा है। अंदर तो अभी फ़िलहाल जाने नहीं मिलेगा, नहीं तो मैं कोशिश किया रहता है। यहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट के लिए काफ़ी कुछ दुकानें हैं। अभी मैं कुरुद तरफ गया था, मॉल वाली रोड है, जुनवानी वाली रोड है। अभी मैं कोंका लेके जा रहा हूँ। कोंका ये है, कोंका भी आपको दिखला देते हैं। यहाँ भी ITI कॉलेज बन रहा है, वो भी दिखला देता हूँ। ये सीधा सीधा रोड लेके जाती है स्कूल, कोंका का सरकारी स्कूल है। यहाँ भी आपको रेंट में अच्छे घर मिल जाएंगे, जिस हिसाब से आप सोचते हैं कि आपका घर अच्छा साफ सुथरा हो। जितने भी घर बने हुए हैं सब नए नए घर बने हुए हैं, तो रेंट में भी देते हैं। काफ़ी स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे। यहाँ भी OYO है, सामने आपको दिख रहा होगा MJ स्कूल। MJ कॉलेज भी आप लोगों को दिखला दूंगा, जुनवानी साइड है। यहाँ पे एक गैस गोदाम है इंडियन का, 1BHK 2BHK फ्लैट बने हुए हैं और ये अभी नया नया अभी स्टार्टिंग हुआ है। यहाँ का रेट तो मुझे भी पता नहीं कितना क्या रेट है। ये बन रहा है ITI कॉलेज, जो बहुत बड़ा कॉलेज बन रहा है। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक अभी काम चल रहा है। लगभग 5 से 10 साल के बीच में ये बनकर तैयार हो जाएगा।
गाइस तो मैं आप लोगों को कुरुद दिखला दिया, उसके बाद गाँव का भी दिखला दिया। अब बारी है हमें जुनवानी और नेहरू नगर की ओर जाना है, जहाँ पे मॉल बना हुआ है, सूर्या मॉल। प्यारा सा मस्जिद है हमारे आर्ट साइड में, देखिए काफ़ी कुछ यहाँ पे शोरूम खुले हुए हैं, फ्लैट बने हुए हैं और चौपाटी भी लगता है शाम के समय में। अगर घर खरीदना चाहते हो, फ्लैट लेना चाहते हो, तो कम से कम आपको 20 से 30 लाख के बीच में खर्च करने पड़ेंगे। महंगा एरिया है घर के मामले में, खाने पीने के मामले में ठीक ठाक है, सस्ता है। इधर भी फ्लैट 4 BHK 3 BHK। ये है MJAC कॉलेज, यहाँ पे BEd की पढ़ाई होती है, अधिकतर BEd वाले ही लोग आते हैं यहाँ पे। यहाँ भी काफ़ी दूर दराज से पढ़ने के लिए लोग आते हैं। ये गाइस सूर्या मॉल, जिसे TI मॉल भी बोलते हैं। अब इस साइड जाऊँगा तो नेहरू नगर है, सीधा जाता हूँ तो स्मृति नगर है। तो थोड़ा सा आपको स्मृति नगर, उसके बाद देन नेहरू नगर दिखला दूँगा। सबसे बड़ा मॉल है यहाँ भी, आसपास में चौपाटी लगे हुए हैं, स्टूडेंट लोग आते हैं यहाँ पे। पुराना दिख रहा है ये। तो ये जो चौक है, ये जुनवानी वाली रोड है और ये नेहरू नगर स्मृति नगर। तो यहाँ से भी स्मृति नगर नेहरू नगर जा सकते हैं। फ़िलहाल मैं आप लोगों को शंकराचार्य कॉलेज दिखला देता हूँ और हॉस्पिटल। ये पेट्रोल पंप है, बगल से रोड गई हुई है जो कुटेला भाटा, और इससे पहले मैं आप लोगों को दिखला रहा था ना ITI जो कॉलेज बन रहा है, यही वाली रोड लेके जाती सीधा। यहाँ भी आपको ओयो होटल मिल जाएंगे, 1 BHK 2 BHK फ्लैट के काम चल ही रहे हैं। ये शंकराचार्य महाविद्यालय है, मैं भी बहुत दिनों के बाद आ रहा हूँ इस साइड। अरे भाई साहब काफ़ी बड़ा बन रहा है। ये चौहान टाउन है जो फ्लैट बना के इस तरह से देते हैं। आप लोग बताइएगा मुझे कि आप लोगों को फ्लैट वगैरह का वीडियो देखना है या नहीं। और ये क्या बन रहा भाई, यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। इस साइड देखेंगे तो भी शंकराचार्य है, इस साइड भी देखेंगे तो भी शंकराचार्य है, दोनों तरफ शंकराचार्य है। बाकी आप नाम पढ़ लीजिएगा, इधर भी है मेडिकल कॉलेज, दिल्ली पब्लिक स्कूल। काफ़ी लोग आते हैं दूर दूर से पढ़ाई करने के लिए, बहुत फेमस है ये। और ये दुर्ग में आता है, यहाँ से दुर्ग स्टार्ट हो जाता है। तो जिसे मैं बोल रहा था ना कॉलेज, वो कॉलेज भी है हॉस्पिटल भी है, दोनों है। तो अंदर चल के थोड़ा सा दिखला देते हैं आपको, यहाँ पे इलाज भी चलता है। बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है ये भाई साहब, शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज। कॉलेज इस साइड में है और जो इलाज वगैरह होता है ये है भाई पूरा। यहाँ पे आपको दवाई वगैरह भी मिल जाते हैं, बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है। सामने में है रहने की भी व्यवस्था है, अगर स्टूडेंट लोग यहाँ पे रह के पढ़ाई करना चाहे तो। सभी आप लोगों को मैं शंकराचार्य कॉलेज दिखलाया, अब बारी है स्मृति नगर देखने का। स्मृति नगर जाने के लिए अब यहाँ से हमें आगे बढ़ना है और यहाँ से चालू हो जाता है स्मृति नगर का मार्केट। स्कूल भी है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा सा मार्केट है। जो एरिया है स्मृति नगर, ये बड़े एरिया में आता है, आप देख ही रहे हैं, घर से अंदाज़ा लगा सकते हैं, घर से शॉप से। बड़े बड़े फ्लैट है इस साइड, आज के दिन यहाँ पे मार्केट भी लगता है। तो ये मॉल वाली रोड है जहाँ से आप आ सकते हो नेहरू नगर के लिए। ये KPS स्कूल है, बहुत फेमस है नेहरू नगर में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये वाली रोड से आया था मैं, जूस फैक्ट्री। ये नेहरू नगर, बड़े बड़े लोग रहते हैं नेहरू नगर में। ये ग्रीन चौक है और यहाँ पे एक फेमस गार्डन भी है। अब VIP लोग है भाई यहाँ पे। राइट साइड में देखेंगे नेहरू नगर का गार्डन, बीच में मस्त बड़ा सा तालाब है। सुबह और शाम को सब आते हैं। प्यारा सा गुरुद्वारा है हमारी भिलाई का, जो रात को बहुत खूबसूरत दिखता है। लंगर भी चलता है। अब मैं आप लोगों को ले चलता हूँ सेक्टर एरिया। सेक्टर एरिया जाने के लिए ये वाली जो ओवर ब्रिज है, इसका उपयोग करते हैं हम। जी रोड, अगर आप सीधा सीधा जाते हो तो सुपेला मिलेगा, सुपेला के बाद पावर हाउस, पावर हाउस के बाद भिलाई तीन के बाद रायपुर, ये सब मिलेगा। अगर इस तरफ जाते हैं तो राजनांदगांव है और महाराष्ट्र बॉर्डर चालू हो जाता है, और यह है ग्रांड डिल्लन। आप चाहो तो सुपेला से भी जा सकते हो। सुपेला से अगर जाते हो तो पहले आपको सेक्टर 2, उसके बाद सेक्टर 6, उसके बाद में सेक्टर 5, ये सब मिलते हैं।
लेकिन मैं नेहरू नगर से अभी आप लोगों को दिखला रहा हूँ, तो सबसे पहले मुझे सेक्टर 7 मिलेगा और ये सेक्टर 7 का हल्का फुल्का मार्केट है। ये जो आपको दिख रहा है ये है कल्याण कॉलेज, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कल्याण विधि महाविद्यालय। अंदर तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन हाँ यहाँ भी अगर परीक्षाएं होती है तो लोग यहाँ पे आते हैं काफ़ी दूर दराज से, और ये प्राइवेट है, सरकारी नहीं है। ये महाराणा प्रताप चौक है, अगर हम सीधा सीधा जाते हैं तो सेक्टर 6 मिलेगा, सेक्टर 2 मिलेगा। अभी हम लोग सेक्टर 7 में ही हैं, पे बटालियन लोगों का है। ये देखिए मार्केट है, अभी मैं आप लोगों को सेक्टर 6 लेके जा रहा हूँ। यहाँ से चालू हो जाता है सेक्टर 6, ले आपको साईं कॉलेज दिखला देता हूँ, साईं कॉलेज भी बहुत फेमस है। तो ये आ गए हैं हम गाइस साईं कॉलेज, यही है जहाँ पे स्टूडेंट लोग पढ़ाई करने के लिए आते हैं। यही है गाइस NGM स्कूल, ये फेमस है बहुत NGM स्कूल भिलाई में। और यहाँ पे लगता है समोसा भजिया शाम के समय सवेरे। और ये सेक्टर 6 का मार्केट है, अगर आप सेक्टर में रहते हैं तो आपको यही मार्केट सबसे सस्ता और सबसे अच्छा लगेगा। हर तरह के शॉप उपलब्ध हैं, जैसे कपड़े से लेकर ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, वैसे तो सुपेला मार्केट भी है लेकिन यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। यहाँ पे सब आते हैं गुपचुप चाट सब खा के जाते हैं, फेमस है यहाँ का सेक्टर 6 का। यह है गवर्नमेंट मीडियम स्कूल है सेक्टर 6। अभी मैं आप लोगों को पूरा सेक्टर 6 दिखला रहा हूँ। शंकर भगवान जी का मंदिर है, शिवरात्रि के समय में बहुत भीड़ रहता है। ये है सबका मालिक एक है शिरडी साई बाबा मंदिर, ये गुरुवार के दिन बहुत भीड़ रहता है। यहाँ पे फूल वगैरह भी मिल जाएंगे चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे चर्च भी है, अगर आप प्रे करना चाहते हो चर्च में जाके तो प्रे भी कर सकते हैं। ये है खूबसूरत सा चर्च। हम सेक्टर 6 का सबसे फेमस मार्केट, गर्ल्स के लिए काफ़ी सारे दुकानें लगे हुए हैं। ये जो 200 से लेके 400 तक आपको मिल जाएंगे। सतनाम भवन, ये भिलाई का सबसे बड़ा मस्जिद है। इस साइड में है सेक्टर 2। सुपेला से आते हो तो यही वाली फाटक को पार करके आना होता है, पहले सेक्टर 6 फिर सेक्टर 2 फिर सेक्टर 5। तो ये तो मैं आप लोगों को दिखला दिया। ये वाली जो रोड है सीधा लेके जाती है पावर हाउस सेक्टर 1। अभी मैं हल्का फुल्का सेक्टर 2 दिखला देता हूँ, सेक्टर में घर कैसे होते हैं। इस तरह से घर होते हैं जो सर्विस में होते हैं उन्हीं को दिया जाता है। ये स्कूल है सेक्टर 2 का, ये प्यारा सा मंदिर है और ये भवन है जहाँ पे शादी वगैरह कार्यक्रम होता है। अगर सीधा जाते हैं तो JP सीमेंट फैक्ट्री है, अगर इधर जाते हैं तो सेक्टर 5 सिविक सेंटर चौपाटी, इधर जाते हैं तो इस साइड में है सेक्टर 2 सेक्टर 1। तो मैं आप लोगों को BST प्लांट और JP सीमेंट फैक्ट्री भी दिखला देता हूँ। JP सीमेंट फैक्ट्री, किसी ज़माने में मैं यहाँ पे काम किया करता था, प्लांट चालू हो गया लग रहे हैं, ट्रक वगैरह सब अंदर जा रहे हैं। लेके जा रहा हूँ BSP प्लांट दिखलाने के लिए, दूर से ही दिखला पाऊँगा, अंदर तो जाना अलाउ नहीं रहता है। तो यही वाली रोड है जो सीधा लेके जाती है। अगर आपको सस्ते में फल चाहिए ना तो यहीं पे मिलेगा आपको सस्ते में फल वगैरह। आगे साइड में है BSP प्लांट, इतना हार्ड काम होता है ना कि आदमी का हालत ख़राब हो जाता है, मेरा भी वैसी था। उसके बाद मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगा तो फिर मैं छोड़ दिया। और इसे बोरिया गेट के नाम से जानते हैं, BSP प्लांट बहुत बड़ा प्लांट है भाई। भिलाई का ये जान मान शान सब कुछ है, इसी के बदौलत भिलाई को जाना जाता है। मैं यहाँ से आया हुआ था, ये आपको दिखाया JP सीमेंट फैक्ट्री, उसके बाद पीछे ले गया आपको BSP प्लांट दिखाने के लिए। अभी मैं जा रहा भिलाई का मैत्री बाग दिखलाने के लिए। बड़ौदा जाने के लिए ये वाली रोड है और मैत्री बाग के लिए ये वाली रोड है। जानवर भी देखने को मिलेंगे, शेर भालू लोमड़ी सब कुछ देखने को मिलेंगे यहाँ पे, लेकिन अभी किसी कारणवश ये बंद है। ये एक अच्छी जगह है जहाँ पे आप घूमना फिरना कर सकते हैं। ये चौक है रिसाली का, भिलाई में ही आता है और यहाँ पे फेमस है DPS स्कूल है। ये है दिल्ली पब्लिक स्कूल रिसाली का। रिसाली का मैंने व्लॉग बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा। रिसाली भी अच्छे बड़े एरिया में आता है, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं यहाँ पे। वैसे तो आज की डेट में हर कोई पढ़ा लिखा है। रिसाली का मार्केट है, यहाँ भी बड़े बड़े शोरूम है, पूरे कपड़े के मार्केट है यहाँ पे। ये है KTM शोरूम,
आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं रिसाली कितना बड़ा है। हीरो शोरूम, यूनियन बैंक, सब कुछ है यहाँ भी। भिलाई से लगा हुआ है, भिलाई सेक्टर से। अब यहाँ पे बोर्ड पे मेंशन किया है सेंट थॉम महाविद्यालय। क्या मस्त रोड है, राइट साइड में पेड़ पौधे हैं। एक कॉलेज है ये, एसटी कॉलेज थॉमस। तो ये कॉलेज है, बहुत बड़ा सा कॉलेज है। भिलाई निवास प्रवेश द्वारा आगे, तो ये देखिए भाई भिलाई निवास बहुत बड़ा सा बना हुआ है, बहुत बड़ा सा स्टेडियम है। काफ़ी लोग आते हैं, दौड़ भाग करते हैं जयंती स्टेडियम। ये सेक्टर 5 का है। ये क्या बना भाई, पंजाब नेशनल बैंक, SBI, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक। पैसा नहीं मिलते तो मैं भी यहीं आता हूँ पैसा निकालने के लिए, कभी कभी ATM में रहता नहीं है हमारी साइड। ICICI बैंक इधर है सामने में, आप देख रहे हैं लोगो, ये BSP का लोगो। यहाँ भी कपल्स आते हैं इन्जॉय करने। कहाँ ले जा रहा भाई, ये बिरयानी मिलता तगड़ा यहाँ का। आर्ट गैलरी है, ट्रैफिक नियम के बारे में बतलाया जाता है। ये है नेहरू आर्ट गैलरी। इस साइड है बड़े बड़े दुकान, बाटा, सैमसंग। और सबसे सुंदर ये दिखता है भाई अपना रथ, भिलाई किसान। ये शाम के समय में यहाँ पे इतना भीड़ रहता है कि भाई अब जब आओगे ना तभी देख पाओगे। नन्हटी, अगर कहीं चाय पीना है, कॉफ़ी पीना है तो यहीं पे आते हैं नन्हटी। ये पूरा भीड़ भाड़ है। और ये है मेन चौपाटी जो शाम को 5 बजे से चालू हो जाता है। अभी धीरे धीरे दुकानें लगना स्टार्ट हो गया है। जो फैक्ट्री जैन पान पैलेस, और यहाँ पे वॉशरूम है जो अभी नया बना हुआ है। नया पार्क खुला हुआ है जिसे बोलते हैं शहीद पार्क। इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा। बहुत बड़ा सा ये पार्क बना हुआ है और शाम के समय में लाइटिंग भी बहुत अच्छी है। खुलने का समय है 6 से 10, शाम 5 से 9। ये है डाकघर, अगर कोई भी फॉर्म वॉर्म भरना होता है तो अधिकतर यहीं पे देखता हूँ मैं, काफ़ी स्टूडेंट आते हैं फॉर्म भरने। यहाँ पे हर तरह के कोचिंग है, इसे बोलते हैं सिविक सेंटर, सेक्टर 5 में आता है। बहुत सारे कोचिंग, इतने सारे कोचिंग है कि हम क्या ही बताएं भाई। ये मिराज, तो ये मिराज है। मिराज के जस्ट पीछे साइड में यहाँ पे मोमोज बहुत फेमस है। अगर आप मोमोज के दीवाने हैं तो आपको यहीं पर आना पड़ेगा। पूरा कोचिंग सेंटर है, स्टूडेंट लोग यहीं आसपास में रहते हैं। तो ये है सेक्टर 10, संतुष्टि, हरिओम रेस्टोरेंट। ये बहुत फेमस है, यहाँ पे आपको भोजन मिल जाएंगे। कोचिंग सेंटर भी आपको दिखला देता हूँ, ये जो गर्ल्स जा रही है वहीं जा रही है। यहाँ पे चालू हो जाता है पूरा कोचिंग सेंटर। ये चारों तरफ कोचिंग ही कोचिंग है, एक सेक्टर 5 और एक सेक्टर 10। सत्यम बेकरी, ये भी फेमस है सेक्टर 10 में। झंडा लेके जा रहे हैं। और ये सेक्टर 10 का कॉलेज है, दिखा देते हैं कौन सा कॉलेज है भाई। श्री शंकरा कॉलेज नहीं, अच्छा ये विद्यालय है, पहले कॉलेज हुआ करता था, अब विद्यालय में कन्वर्ट कर दिया है। और यहाँ पे मस्त गार्डन बना हुआ है जो फैमिली कपल्स आते हैं यहाँ पे एंजॉय करने के लिए। बहुत सुंदर से ये गार्डन बना हुआ है अभी, लेकिन फ़िलहाल बंद है। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय। चलिए थोड़ा सा अंदर ले चलता हूँ, BSP का हॉस्पिटल। पार्किंग स्थल ये है, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखलाने के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ। यहाँ पे हर तरह के इलाज होते हैं, हम लोग भी यहीं पे इलाज कराते हैं। हनुमान मंदिर, जहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। ट्यूजडे
ट्यूजडे और सैटरडे को बहुत भीड़ रहता है। यहाँ से होड़ को जा सकते हैं, आते समय आपको दिखलाऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं महिला कॉलेज दिखला देता हूँ, गर्ल्स कॉलेज। तो यही है गाइस गर्ल्स कॉलेज, जहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग पढ़ के निकले होंगे। यहाँ भी कॉलेज है, श्री शंकराचार्य कॉलेज ऑफ कुछ तो लिखा, ये स्टूडेंट हैं यहाँ के, श्री शंकराचार्य एजुकेशन कैंपस, आमदी नगर विद्या निकेतन। ये स्कूल है कि क्या है पता नहीं। साइड में भी है आईटीआई, इस साइड में बहुत सारे हैं। ये हुड़को में आता है, ये क्या है भाई, DAV पब्लिक स्कूल, 32 बंगला। 32 बंगला आपने नाम सुना होगा, भिलाई का हॉन्टेड के नाम से जाना जाता है। किसी समय में यहीं रोड पे एक लड़की लिफ्ट मांगती है, लेकिन वो लड़की गिने चुने लोगों को ही दिखाई देता है ऐसा बोला जाता है। और बहुत सारे लोगों के बाइक में बैठ जाती थी और फिर उनका डेथ हो जाता था, ऐसे कुछ मैंने भी सुना हुआ है। अगर आप बोलोगे तो इस पे मैं एक व्लॉग बना दूंगा। गाइस तो आज का ये व्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप बोलोगे डिटेलिंग में दुर्ग सिटी का भी व्लॉग बनाइए करके, तो मैं उस पे एक व्लॉग बना दूंगा। और सजेशन भी देते रहिएगा कि कहाँ का व्लॉग देखना है आपको। उम्मीद करता हूँ कि ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो पे।